press the bell icon for all updates. यू नो अंग्रेजी में एक फ्रेज है मदर फ्रॉम अनदर मदर. यहाँ पर वो अनदर मदर वाली फीलिंग भी नहीं है, इट्स दैट क्लोज. बस अब कुछ साल पहले ही हमारी मुलाकात हुई बिग बॉस में सब लोगों के सामने, और इंस्टेंटली अगर आप वो पुरानी फुटेज भी देखें तो वो मैं घर में घुसा और घुसते ही करण मेरे पास आए और हमने बातचीत शुरू कर दी. सो इट वॉज़ लाइक मेंट टू बी. हमने बहुत सारी बातें एक दूसरे के बारे में डिस्कवर की, बहुत सारी बातें सिमिलर निकली. आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आज मेरे पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है. बहुत बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं जो हम दोनों की जिंदगियों में साथ साथ हैं. अंदर हितिशा के बारे में सबसे पहले मैंने करण को ही बताया कि बाहर कोई हैं जो इंतज़ार कर रही है, और फिर हमारी शादी से लेकर अब तक ये पिछले तकरीबन 2.5 साल जो हैं उसमें हम चारों का एक बहुत ही खूबसूरत सा आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट एक चौकड़ी है हम चार लोगों की, और हम दोस्त भी हैं और कॉलीग्स भी हैं और भाई भी हैं. बहुत ही अपनापन है, बहुत ही पॉजिटिविटी है, और बहुत ही हक है एक दूसरे के ऊपर, और उसी हक से उन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया है, उसी हक से हम थोड़ा लेट आके उनसे सॉरी करें. बट इट्स लाइक यू इट्स वन ऑफ योर ओन, और आपके अपने घर में फंक्शन हो तो वैसी फीलिंग है. एंड नितिशा आप भी कुछ बोल दीजिए, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि मैं आपको बोलने नहीं देता. यू नो करण एंड निशा एक्चुअली मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, सो दे द फर्स्ट पीपल आई मेट फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट गौरव इंट्रोड्यूस मी टू एज हिज फ्रेंड्स, यू नो. सो आई हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद देम, एंड यू नो निशा एंड आई हैव अ डिफरेंट बॉन्ड, एंड दे हैव अ किटी नाउ, वी हैव अ किटी टुगेदर. सो वी हैड टू मेनी great times, played a lot of games and game nights, spent New Year's together, had lovely memories, you know, and it's just a friendship like family, it's not a friendship. No, I mean, all these beautiful memories in just two and a half years. Yeah, it's a short span, so, I mean, I feel like I've known them for 10 years, but it's just been two and a half years, and I think they've been the first to you know, grow with us since we've gotten married. No, Kavish came into the world, yeah, and when I came to the hospital, mein tha, and I was the first person that he smiled for. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं. वो एक छोटे से कॉट में था और मैं जाके कुछ कुछ कह रहा था उसे और पोएट्री सुना रहा था, एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग, एंड करण क्लिक्ड अ पिक्चर इन द हॉस्पिटल. एंड सो ऐसी बहुत सारी यू नो बहुत प्रेशियस से मोमेंट्स हैं जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं. साल भर में बर्थडेज का एक पैटर्न है तो birthdays ka pattern, yeah, I mean we have a fixed pattern, it's a tradition that's to be followed, so any of our birthdays, if it's theirs then we take them out, if it's ours they take us out. And Kavish, he calls Gaurav Chachu and Hitisha Chachu, so you know now what the relationship is. So yeah, that's what it is. Except this Big Boss kitna follow kare yaar. यू नो मैं 12वें हफ्ते में निकला था अपने सीजन में आउट ऑफ 15 वीक्स, विच वॉज अ सरप्राइज. बट व्हेन आई केम आउट इन द 12th वीक एंड देयर वाज सो मच दैट हैड हैपेंड, माय सीजन वाज क्रेजी. वो कॉमनर्स पहली बार आए थे, वो स्वामी ओम टाइप के लोग थे मेरे सीजन में. ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी स्टफ हैड हैपेंड, एंड मैंने बाहर आकर कभी कोई एपिसोड देखा नहीं. तो जब मैंने बाहर आकर अपने एपिसोड नहीं देखे तो किसी और का सीज़न देखने का तो मतलब नहीं है. बट आई स्टिल कीप सेइंग, मैं जब बिग बॉस में गया था तो मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि मैं वहाँ ट्रॉफी जीतने नहीं गया हूँ, मैं दिल जीतने गया हूँ. एंड बाहर आया तो मुझे महसूस हुआ कि काफ़ियों का दिल मैंने जीता. एंड यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट इज़ व्हाई यू शुड गो बिकॉज नॉट टू विन, नॉट टू डिफीट, नॉट टू बॉस ओवर समबडी एल्स, नॉट टू विन एन आर्ग्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, बट टू विन अ हार्ट. इफ जस्ट वन हार्ट दैट यू कैन विन फ्रॉम योर स्टे देयर, आई थिंक इट वुड बी वर्थ. गौरव, आपने अभी जिस तरह मेंशन किया कि आप बाहर एक बढ़कर आए थे घर में, जिसे पहली बार जिक्र किए थे करण को, इनके बारे में पहला जिक्र किए थे, उसी तरह पारस चावड़ा ने भी आकांक्षा को बाहर छोड़कर आया, लेकिन घर में वो कुछ और बता रहे हैं कि लाइक वो हेट करते हैं नहीं, और कन्याओं के बीच में रहकर यू नो गेम खेल. आई डोंट नो, पारस मेरे साथ एक शो कर रहे थे अभी बाहर जाने से पहले. एक शो था जो मैं कर रहा था अभी अघोरी नाम का, जी टीवी के लिए, उसमें पारस एक छोटा सा रोल कर रहे थे. इनफैक्ट वो मेरे पास आए कुछ एडवाइस लेने के लिए.
तो मुझे पता नहीं है आकांक्षा के बारे में और उस स्टोरी के बारे में, बट पारस एक बहुत अच्छे बिग बॉस कंटेस्टेंट बनने का पोटेंशियल रखते थे उस वक्त भी, जाने से पहले, उस खबर से पहले भी. आपको समझना होगा कि हम में से कुछ लोग उस किस्म के होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. पारस बिग बॉस में जाने के लिए बहुत टेलर मेड है. स्प्लिट्सविला जीते उन्होंने मुझे बताया, एंड फ्रॉम वट एवर दैट आई हियर आई थिंक इज एंटरटेनिंग पीपल एंड ऑल द बेस्ट. सिद्धार्थ के बारे में अगर जानना चाहते हैं, सिद्धार्थ का एग्रेशन क्या इसी तरह है इंडस्ट्री में? देखिए, हर आदमी की अपनी एक अपना पेशेंस लेवल होता है, अपना बिहेवियर होता है, अपने पॉजिटिव्स अपने नेगेटिव्स होते हैं. और बिग बॉस का माहौल ऐसा है जहाँ पर आपके नेगेटिव्स निकलने का चांस ज़्यादा है. मैंने देखा नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने सही किया या गलत किया. रश्मि अंदर है एंड आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर बिकॉज यू नो वो हमेशा मिसेज राठौर रहेंगी. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अगर वहाँ किसी ने किसी वक्त में कुछ कह दिया है, उस बेसिस पर उस आदमी को वैसा ही समझ लेना थोड़ा सा गलत होता है. बिकॉज वो 24 घंटे को कट करके जब आपको 40 मिनट दिखाए जाते हैं तो उसमें से क्या दिखाया जाता है और क्या नहीं दिखाया जाता, वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं होता. कभी कभार सिर्फ एक रूप ही दिखता है और दूसरा रूप नहीं दिखता. तो आई डोंट वॉन्ट टू जज एनीबडी डिपेंडिंग ऑन हाउ ही और शी बिहेव्ड इन बिग बॉस. बाहर सिद्धार्थ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं एंड यू नो बहुत गहरी दोस्ती तो नहीं है हमारी, पर बहुत बॉय दोस्ती है हमारी. सो वी हैव अ लॉट ऑफ बॉय टॉक्स व्हेन वी गेट टुगेदर. वैसा रूप मैंने कभी नहीं देखा, सो आई डोंट नो व्हाट टू से.